तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष डाकरे में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए बहुत अच्छी प्रेडिक्शन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये प्रेडिक्शन है कि अगर अब गला रीजन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा रीजन आएगा, क्योंकि पोकेमोन कंपनी वालों ने अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है पोकेमोन के एपिसोड में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको सुनने के लिए चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो मेरे दोस्तों के साथ, और स्टार्ट करते हैं आज की ऑसम वीडियो को। तो खत्म में बात करेंगे कि हम जो रीजन आएगा वो कौन सी कंट्री पे बेस्ड होगा। जैसे आपको पता है जो कैंटो रीजन है वो गैस जापान की एक जगह पे बेस है, जो गैस होइन रीजन है वो अमेरिका की किसी जगह पे बेस है, जो कैरोस रीजन है वो जापान की, कनाडा की, मतलब हर जो कोई रीज़न है ना वो मतलब किसी ना किसी कंट्री पे बेस्ड है। तो हम देखेंगे जो अगला रीजन आने वाला है वो कौन सी कंट्री पे बेस्ड होगा, तो वो शायद होगा इंडिया में। यस गाइस, ये हो सकता है कि जो पोकेमोन का अगला सीजन, मतलब जो अगला रीजन आने वाला है वो शायद इंडिया पे बेस्ड हो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अब गाइस पोकेमोन जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाला है, हम पोकेट्यूबर्स की वजह से, मतलब सारे पोकेट्यूबर्स की वजह से, तो शायद वो इंडियन रीजन को चूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करें तो गाइस ऐसे बहुत से रूमर्स आ रहे हैं कि वो इंडिया रीजन या फिर किसी और रीजन को चूज़ करेंगे, बस उस रीजन का कई जो स्टार्टर पोकेमोन होते हैं वो होगा ईवी। हाँ, ईवी के फॉर्म्स होंगे तो फिर खुद सिर्फ तीनों ईवी होंगे, बंदे सिर्फ ईवी ही चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ईवी, या फिर ईवी के फॉर्म मिलेंगे वेपोरियन, जोल्टियन या फिर अम्ब्रियन, मतलब कोई भी फॉर्म मिल सकते हैं। तो जो नया रीजन आने वाले का ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो उसमें हम फैंस को भी काफ़ी मज़ा आएगा। और बात करते हैं उस रीजन के लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में। अगर गाइस अगर ये रीजन इंडिया पे बेस्ड हुआ ना तो लेजेंडरी पोकेमोन मुझे शर्त लगा लो हमारे इंडिया की हिंदू मैंथोलॉजी पे बेस्ड होंगे। जैसे कि गाइस अगर इंडिया का होगा ना तो हमारा शायद जो लॉर्ड शिवा है उन पे बेस कोई लेजेंडरी पोकेमोन बना दे। जैसे कि गाइस जो इन्फरनेव है ना उसका इस हनुमान जी पे बेस्ड करके बनाया गया है, कि पोकेमोन कंपनी वाले ने खुद कंफर्म किया है, और हर रीजन के शांत उसके लेजेंडरी पोकेमोन ही होते हैं। फिर इंडियन रीजन का जो लेजेंडरी पोकेमोन वो सबसे पावरफुल होगा, क्योंकि जो इंडियन रीजन के गॉड हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आज की जो वीडियो थी, मेरी प्रेडिक्शन थी, वो इतनी ही थी, क्योंकि अगले रीजन के बारे में अभी तो हमको कोई हिंट दी नहीं गई है, पर हम अपने खुद की प्रेडिक्शन कर सकते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। तो गाइस ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए थी, इसको एंटरटेनमेंट में ही लेना। तो आज की वीडियो इतनी थी, चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर देना, ID है हर्ष डाकराय। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑसम वीडियो।